लग गए आराम से। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घोड़े ने लात मार दी है, जल्दी से यहाँ पर आजा वापस कैनल पर। लो दलो मोहरा पहना दो। आज ना इसको इंजेक्शन लगवाने वाले हैं, पता नहीं किस चीज का इंजेक्शन लगाएंगे। और मामा की हरकतें चेक करो यार, पूंछ पकड़ रहे हैं उसकी, अभी गिरने गिरने से बचे हैं बाल। ये भगेगा छुटके, भग लिया ही छुटके। भाई पापा जी के हाथ में इंजेक्शन है और देखते हैं अब कैसे कैसे लगाते हैं इसको। बस बस ऐसे नहीं लगवाने का इतनी आसानी से। बस लग गए, इस बार तो लग गए आराम से। आराम से। फाइनली लग गया इंजेक्शन। इसे नाचना सिखा रहे हो, क्या करो गेरोगे इसे? चलो बैठाओ, देखो देख लो छटका। चलो झटके चढ़े रहे हैं। चलो चलो क्या कर रहे हो? और आराम से। अच्छा मामा जी के जी में पता नहीं क्या ही है यार, कभी पैर उठा रहे हैं अब पता नहीं क्या करने वाले हैं। इसके नीचे को निकल जाओगे? हाँ निकलो, नीचे को निकल जाओ, मेरे घोड़े लौट जाओ। चलो नीचे भाई, आज ना मामा पूरे फॉर्म में है, आप समझ ही गए होंगे कि वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। कंबल गंदा हो जाएगा यार। मामा जी ना कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ट्रेन कर दें, ये बहुत ऐबदारी करता है ना, तो देखो इसको धीरे 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 कुछ सिखा रहे हैं। झट जाएंगे, मैं धोएंगे ही रात को ये। ये सिर पे रखोगे ऐसा आवाज? ये दाब ना ले वे तुम्हें। बहुत बढ़िया यार, ये किसी के कहने से मान नहीं रहे हैं, कभी पैर ऊपर लगवा रहे हैं, कभी कुछ लगवा रहे हैं, कभी कह रहे हैं नीचे लेटूंगा इसके। बस बहुत बढ़िया, नाम होगा इस तुम्हारा। ये चीज मुझे और करनी सिखा दियो भाई। घोड़ों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, जितना हम डरते हैं ना बिल्कुल भी नहीं डरते हैं घोड़ों से। कुछ भी ना हुआ ये तो सूखी मिट्टी है, ऐसी छुट जाएगी। आ जाओ, ये बताओ इसे नाचना सिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। दो पैरों पे खड़ा नमस्ते करना, ऐसे पैर हिलाऊंगा तो पहला पैर हिलाएगा मेरे साथ। अजी हाँ, तो मामा से जब हमारे घोड़े बड़े हो जाएंगे ना, इनसे ट्रेनिंग लिया करेंगे अपने घोड़ों के लिए, हम भी सीखेंगे और घोड़ों को भी सिखवाएंगे। ये डरता है बस, थोड़ा सा समझदारी की बात से मानता है। इसे सही कर दो बिल्कुल, यहाँ आप आते रहा करो। ओके हो जाएगा एकदम बिल्कुल, जब इसे बिल्कुल फिट हो जाए ना तब देखते हैं कैसा बनता है ये। बढ़िया बनेगा। दोस्तों मैं घर आ गया था और मेरे पास ना पापा जी की फिर से अचानक कॉल आ गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घोड़े ने लात मार दी है, जल्दी से यहाँ पर आजा वापस कैनल पर और मेरे लिए दवाई लेता आइयो और एक दो और इंजेक्शन से बताएं, पता नहीं वो किसके लिए हैं, लेकिन पापा जी के यार घोड़े ने लात मार दी है। और वैसे इस अतीना को मैं बता देता हूँ, इधर जल्दी से इधर सिट। दोस्तों अतीना का ना दोस्त रास्ते में है और हमारी बात हो चुकी है, वो ओला के द्वारा यहाँ पर आ रहा है और मुझे तो लगता है वो सीधा शायद कैनल पर जाएगा, यहाँ पर नहीं आने का। लेकिन यार अतीना का दोस्त यहाँ पर आने वाला है, पर यार मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, वो जो डॉग है ना वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव भी है और इससे थोड़ा बड़ा भी है, मतलब साइज में, उम्र में तो वैसे इससे छोटा है वो। तो पापा जी ये सोच रहे हैं कि यार अतीना को या तो कैनल पर ले जाओ अगर उसको यहाँ पर लाना चाहते हो,
तो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा यार। आप मुझे बताना कि यहाँ पर मुझे अतीना को रखना चाहिए या फिर जो हमारा नया वाला यूरोपियन डोबरमैन आ रहा है उसको रखना चाहिए। वैसे अतीना भी बहुत प्यारी है और वो भी प्यारा है। अगर मैंने उसको कैनल पर रखा तो मैं कैनल पर उसके साथ खेल नहीं पाऊंगा अच्छी तरह से, उसके साथ मैं टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात ये कि वहां पर वो अपनी सारी ट्रेनिंग भूल जाएगा। यहाँ पर रहकर तो मैं उसे ट्रेनिंग करा सकता हूँ। और ये क्या कर रही है तू अतीना? यहाँ तो सारी गिल्ली हो जाएगी, यहाँ पानी है यार। हैं, कोई दिक्कत नहीं है तुझे? चल कोई बात नहीं, खड़ी हो जा, स्टैंड अप। तो इसीलिए यार मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पूरा ट्रेंड रखूं और थोड़ी सी भी उसकी ट्रेनिंग ब्रेक ना हो। पर यहाँ लाऊंगा तो फिर इन दोनों में लड़ाइयां होंगी। आप मुझे बताना कि यार यहाँ पर अपने सेटअप पर हमें कौन से डॉग को रखना चाहिए, अतीना या यूरोपियन डोबरमैन। अब जल्दी से चलते हैं कैनल पर, दवाई वाई लेके पापा जी की, पता नहीं कौन से घोड़े ने लात मार दी उनके यार। अरे यार मेडिकल स्टोर तो यहाँ पर बंद है यार, हॉस्पिटल से लाना पड़ेगा फिर तो। हॉस्पिटल वगैरह में देखता हूँ अगर दवाइयाँ मिल जाती हैं। और डायनापर की गोली मिल जाएगी? डायनापर की गोली दे दो, एक एक एक। कितने हो गए इनके? 170 रुपये हो गए 170। यार मेरी किस्मत ना बहुत अच्छी थी कि हॉस्पिटल में आया और दवाइयाँ सारी मिल गई, इंजेक्शन भी मिल गए, गोलियाँ भी मिल गई। अब जल्दी से कैनल पर चलते हैं, पापा जी वेट कर रहे होंगे, उनके पैर में दर्द हो रहा है, पता नहीं उनकी थाइस में लात मार दी घोड़े ने। दोस्तों कैनल पर तो आ गया हूँ, जल्दी से अंदर चलते हैं, दवाई देते हैं। दोस्तों पापा जी जो लंगड़ा कर चल रहे हैं ना, वो पता है किसकी बदौलत है? वो है हमारे यहीरा की बदौलत। इसने आज इतनी जोरदार लात मारी है पापा जी को, पापा जी से चला भी नहीं जा रहा। पता नहीं पापा जी बता रहे हैं कि ये पता नहीं खेल रहा था या क्या कर रहा था। पापा जी जैसे इसको न्यार करने चले ना, इसने पापा जी के जांग में यहाँ पर थाई में लात मार दी। सिर्फ एक ये घोड़ा है जो हमारा लात मारता है, वैसे तो बिल्कुल सीधा है, इन दोनों से सीधा है, इससे भी और उससे भी इतना ज्यादा सीधा है, लेकिन जब भी इसने लात मार दी, इसमें बस यही दिक्कत है, ये लात बहुत ज्यादा चलाता है। हीरा ले आ, आजा 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 हीरा, आजा 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 आजा। अब तो मेरे पास भी नहीं आ रहा। और वैसे भी आज पापा जी ना इसको इस वाले केज में शिफ्ट कर दिया है, पंछी को इसमें कर दिया है और युवराज को उस वाले जाल में कर दिया है शिफ्ट। दोस्तों पापा जी के पैर में तो चोट लग गई है और अब इनके घोड़ों के ना मुझे ही करना पड़ेगा। मैं इसमें जल्दी से भूस कर देता हूँ, इसमें मिला दो सारा। ये है चने और चोकर, एक साथ मैंने इनको मिला लिया है, अब इनको रखते हैं। अच्छी तरह से मिक्स होना बड़ा जरूरी है, वरना ये मेन मेन चीज खा लेता है और भूस को छोड़ देता है। दोस्तों युवराज के ना पैर पर उस दिन की तरह हमें आज फिर से गरम तेल गिरना है उस वाले पैर में। युवराज तैयार है भाई गरम तेल गिरवाने के लिए? पहले ना इसका पैर बांधना पड़ेगा, जिससे कि ये बार बार पैर को पकड़ने की हमें जरूरत ना हो और ये तेल आराम से लगवा ले। ये है दोस्तों गरम तेल सरसों का, खोल दो ये भी। चले चल अंदर चल चल। दोस्तों मैं इंतजार करे जा रहा हूँ, पता नहीं यार वो हमारे डोबरमैन कब आने वाला है। यार वो ना हमने जहाँ से मंगाया है ना, वो भी तो जगह दूर है, वो हमने केरला से मंगाया है, हमने सोचकर मंगाया है कि D1 से भी अच्छी क्वालिटी का निकलेगा वो। तो यार वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं यार, शायद मुझे घर ही जाना पड़ेगा, आएगा नहीं वो इस टाइम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव ओवर एंड आउट।